Myself Avinash Kaur and I am Miss India Khadi City Finalist from Bilai. आज हमारे साथ मिस्टर पानीग्रही सर है जो खादी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. तो चलिए पानीग्रही सर से मिलते हैं. नमस्कार, मेरा नाम रविंद्रनाथ पानीग्रही है और मैं जनरल स्टडीज इंडिया और छत्तीसगढ़ का मेंटर हूँ. मैं पीएससी के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. दोस्तों, हाल ही में हमने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, 72nd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया. पता नहीं क्यों इसके बाद एक कविता मन में आई. कविता ये है, कविता का फिल्म भी है लेकिन कविता का दो लाइन ये है, आजादी का त्योहार मनाने आए हो, सच बोलो कितने साथी साथ तुम्हारे हैं. आजादी की लड़ाई में हमने बहुत सारी चीजों को आत्मसात करके उस लड़ाई को लड़ा. अगर उसमें एक व्यक्तित्व की तरफ ध्यान दें कि कौन था मूलाधार, तो हमें मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात बापू का नाम ध्यान में आता है. गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने के क्रम में बहुत सारी चीजों को साथ लेते हुए हथियार के स्वरूप में समाज को अपना योगदान दिया, जिनमें से एक था सत्याग्रह, जिनमें एक था अहिंसा और एक जो पॉपुलर आज नहीं है लेकिन उस समय था, वो लड़ाई थी चरखे की लड़ाई. चरखे के द्वारा खादी उत्पादन करके अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था से भारतीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के साथ में एक कॉम्पिटिशन करना, साथ ही अंग्रेजों के द्वारा लाए गए सामान का इससे हम बहिष्कार एक तत्पर रूप से या फ्रंट फुट पे कर सकते थे. आजादी मिली 15 अगस्त 1947, तब तक हमने चरखे का प्रयोग भी किया, खादी भी पहनी. लेकिन आजादी से लेकर के 72 साल का अगर हम पीरियड देखते हैं तो खादी की स्थिति कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती. 72nd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के समय अगर हम ये माने कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को आत्मसात करके उन वैल्यूज को हमको हमें अपने मन में रखना है, साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को निर्भर करने हेतु, आत्मनिर्भर बनाने हेतु हमें खादी का प्रयोग आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा करना है, तो सही मायनों में ये अपनी आजादी के मूल्यों को सलाम करने का एक जज्बा होगा. साथ ही साथ खादी उद्योग से जुड़े ऐसे कई लोगों को हम रोजगार प्रदान कर पाएंगे, दे पाएंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जो इस उद्योग से पावर लूम और हैंडलूम के द्वारा जुड़े हुए हैं. खादी का प्रयोग करने से हमारे देश के अंदर बनने वाले ही खादी के प्रोडक्ट को हम यूज करके अपनी अर्थव्यवस्था को दिन ब दिन सशक्त करेंगे. ये सही मायनों में अपनी अर्थव्यवस्था के द्वारा जो लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी है, जो लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी थी, जो लड़ाई भारत ने लड़ी थी, उस लड़ाई के एक चिन्ह को हम समर्पित रूप से या सम्मानित रूप से अपना एक सम्मान प्रकट कर पाएंगे अगर हम 73वें या 74वें स्वतंत्रता दिवस तक खादी को अपनी जीवन शैली के अंदर ला करके ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं. धन्यवाद.